أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची थी कि रमजान अल मुबारक तक्वे का वस्फ पैदा करता है और मुत्तकीन की सिफात का तज़किरा कुरान करीम से ही हम ले रहे हैं। मुत्तकी की पहली सिफत और पहला वस्फ ये है कि उसका अकीदा दुरुस्त हो, और दूसरा वस्व ये कि उसकी मुआशरत और मुआमिलात दुरुस्त हों, और तीसरा वस्व उसका कि उसकी इबादात का एहतमाम हो। इबादात के एहतमाम के लिए नमाज का तज़किरा किया और फिर ज़कात का तज़किरा किया। अब यहाँ दो बातें अच्छी तरह समझनी चाहिए कि ऊपर जिक्र हुआ वा आतल माला अला हुब्बिही, कि ये जिन लोगों को आपने माल दिया ये ज़कात के अलावा की बात हो रही थी, अज अपने करीबियों को, यतीमों को, मसाकीन को और मसाफरों को, ये जिन लोगों का तज़करा पीछे हुआ ये वो लोग हैं कि जिनको आप सदकात अतियात उनकी खिदमत वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। और ये अब मुस्तकिल जिक्र किया व अकाम अस्सलात व आत अज़्ज़का। तो याद रखें कुरान करीम जहाँ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को कहते हैं वहाँ इन्फाक का लफ्ज आया व मिम मा रज़क़ना हुम युन्फिकून। और ये भी आपके इल्म में होना चाहिए कि इन्फाक नफक से है और नफक टनल को कहते हैं, वो टनल्स जो डैम के आगे होती हैं उनमें कुछ टनल डैम की हर वक्त खुली होती है, जिनसे बिजली पैदा हो रही है, जिनसे आगे आबपाशी हो रही है, जिनसे आगे नहरी निज़ाम चल रहा है। हर डैम की चंद टनल हमेशा खुली होती हैं जिससे वो निज़ाम सारा चलता है। फिर हर डैम पर एक लेवल बना दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है, पट्टी सुर्ख, कि जिस वक्त डैम इस लेवल तक पहुंचे तो फिर अर्जेंट टनल्स होती हैं, अर्जेंट गेट, कि ये खोलने लाजमी है, अगर नहीं खोलोगे तो डैम टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो इंसानी सरमाए का डैम है छोटा सा, इसकी कुछ टनल्स का जिक्र तो ऊपर किया वह आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील वसाइलीना वफिर रिकाब, कि ये टनल्स तो आपकी खुली होनी चाहिए, हर वक्त अपनों पर, अपने अजीजों पर खर्च करते रहा करें, करते रहा करें, करते रहा करें। ये खर्च करते करते अगर आपके सरमाए का डैम निसाब तक पहुंच जाए तो अब आप पर ज़कात भी वाजिब है, फर्ज है। पहले तो फर्ज नहीं थी, आपको इनकरेज किया गया कि आप खर्च करें अपने अजीज व अकारिब पर, आप खर्च करें
अपने सोसाइटी और मुआशरे पर, और जब वो लोग कि जो खर्च करते रहे ऐसे में उनके सरमाए के डैम में इजाफा होता गया और वो उस लेवल तक पहुंच गया कि जिसकी इमरजेंसी टनल इमरजेंसी गेट खोलना लाजमी हो गया, तो फरमाया इसको खोलो। और ये भी आपने देखा होगा कि ये जो मोटरवेज हैं उनमें टनल्स बनी होती हैं, अगर वो रुक जाएं तो पीछे तमाम ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, रुक जाते हैं, लेकिन अगर वो चलती रहें तो पीछे से ट्रैफिक आती रहती है। इसी तरह मेरा रब फरमाता है कि तुम अपने सरमाए की ट्रैफिक को अगर चलाते रहोगे पीछे से हम अता करते रहेंगे। इसीलिए महबूब दो आलम ने फरमाया कि मुझे अपनी जेब और अपने हाथ में जो सरमाया है उस पर मुझे उतना एतमाद नहीं है जितना मुझे अपने रब की साथ पर एतमाद है। ये वो एतमाद है कि जो इंसान को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर उसको इनकरेज करता है, उसको उभारता है कि ये खर्च करे। लिहाजा उसमें जहां नफली सदकात हो गए वहां अब फर्ज की बात आई, वह अकाम सलाता व आत ज़का, कि वो नमाज को भी उन्होंने कायम किया, ज़कात भी अदा की। आज याद रखें कि इस्लाम ने जो माली निज़ाम में ज़कात को फर्ज करार दिया, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ इसी रुकन को बहाल कर दिया जाए, सिर्फ इसी रुकन को, पूरी दुनिया में कोई शख्स गरीब नहीं रह सकता। सिर्फ ज़कात के निजाम को बहाल कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में कोई गरीब नहीं रह सकता। लेकिन यह बंदा भी बड़ा अजीब है, हरीस है। अल्लाह ने इसे 100 रुपया अता किया और इसको कहा कि सिर्फ 250 रुपये मुझे दे दो। 100 रुपया दिया, कहा 250 रुपये मुझे दे दो। कहता नहीं, उसमें भी हीले करता है, बहाने करता है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि आज ज़कात के निजाम को पसे पुश डाल दिया गया, सूद के निजाम को डेवलप किया गया, सूद के निजाम को बढ़ोतरी मिली, सूद का निजाम आगे बढ़ा और ज़कात के निजाम को पसे पुश डाल दिया गया, और मुसलमान भी सूद पर एतमाद ज्यादा करता है, ज़कात पर एतमाद नहीं करता। और इसके लिए मैं उमूमन सुनाया करता हूं कि ऐसों की मिसाल जो है वो बिल्कुल उस शख्स की सी है कि जो शख्स, उसको किसी हकीम ने, तबीब ने इस हाल की दवाई दे दी। अब उसने दवाई ली, इस हाल शुरू हो गया तो उसकी वजह से वो बेहतर हो गया। पहले हकीम इलाज ऐसा ही करते थे, और ये जो नीम हकीम होता है तो वो तो खतरा जान होता ही है। किसी नीम हकीम को पता चला कि तरीका इलाज यही है कि इस हाल की दवा दो, फिर उसके बाद जो है वो इलाज होगा, तो उसने किसी आदमी को दवाई दे दी तो उस बेचारे को जो है वो डायरिया शुरू हो गया। तो अब जो है वो उसका भाई आया, उसने कहा जी वो मेरे भाई को बड़ी तकलीफ है, उसको आपने दवाई दी है तो उससे खासा वो परेशान है और बहुत उसको मसला बन रहा है। उसने कहा कोई मसला नहीं है,
تنقیہ ہو جانے دو، یعنی اندر کی صفائی ہو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، تنقیہ ہو جانے دو. اب وہ دوسرے دن پھر آیا، کہنے لگا حضور اس کی حالت بہت خراب ہے. کہا نہیں نہیں، ابھی مرض گیا نہیں ہے، تنقیہ ہو جانے دو. اب وہ بیچارہ تیسرے دن آیا، کہنے لگا حضرت وہ بالکل جان بلب ہے، آپ چل کے دیکھیں تو صحیح. تو جب وہ جا کے پہنچے حکیم صاحب تو دیکھا وہ بیچارہ مر چکا تھا. تو بڑے اطمینان سے کہنے لگے موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بات بہت اطمینان بخش ہے کہ تنقیہ پورا ہو گیا. کوئی سمجھ آئے کہ تنقیہ پورا ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے نیم حکیم. تو لہذا اس نیم حکیم سے نہیں، لیکن جو حکما تھے ان کا طریقہ علاج یہ تھا کہ وہ اس حال سے علاج کرتے تھے اور پھر اس کے بعد دوائی دیتے تھے. اب کسی آدمی نے اس حال لیا اور دوائی لے رہا ہے، کمزور ہو گیا، ایمانداری سے بتاؤ کہ کوئی کیا کہے گا کہ یہ کمزور ہو گیا، یہ بیمار آدمی ہے؟ نہیں، یہ اس کی صحت کی دلیل ہے. لیکن اس کے برعکس ایک بندہ، اس کو ورم پڑ گیا، چہرہ سوج گیا، ہاتھ پاؤں سوج گئے، تو لوگ کہتے ہیں ہو 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 یہ تو بچ نہیں سکتا، پھر کڈنی فیل ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، اتنا ورم کیوں پڑ گیا. حالانکہ بظاہر یہ بڑا موٹا تازہ نظر آتا ہے، وہ دبلا نظر آتا ہے. دبلا نظر آنے والے کو تو صحت کی ضمانت دیتے ہو، اور اس مضبوط اور ہٹے کٹے کو آپ پریشان ہوتے ہو کہ یہ تو موت کے قریب ہے. یاد رکھو بالکل اسی طرح سود کا نظام ہے کہ بظاہر تو اس سے مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن یہ مال کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے. اور زکوٰۃ بظاہر خرچ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ مال کے بقا کا ذریعہ بنتی ہے، یہ مال کے بقا کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے کہ یہ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے بھی آتے ہیں، زکوٰۃ پاکی کے معنی میں بھی آتی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے باقی مال پاک اور طیب ہو جاتا ہے. باقی مال پاک ہو جاتا ہے. اور زکوٰۃ کے معنی، ایک معنی نمو کے بھی آتے ہیں. نمو کے معنی ہے بڑھوتری، کہ گویا زکوٰۃ دینے سے اللہ مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں، جو لوگ اپنے بالکل ٹھیک ٹھاک حساب کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رب ان کے مالوں میں کبھی نقصان نہیں آنے دیتے، ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے مال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے مالوں کی اور ان کے باقی چیزوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہ کراچی کے ایک بڑے بزنس مین تھے، کئی سال پرانی بات ہے، کہ وہ یہاں سے امریکہ سامان بیچتے تھے. تو راستے میں بحری سفر تھا، تو سمندر میں بحری قزاق آئے. ہر جگہ لوٹنے والوں کے اپنے اپنے، وہ جو بحری قزاق ہوتے ہیں وہ لوٹتے یوں ہیں کہ اس کے جہاز کے ساتھ جہاز آ کر لگاتے ہیں اور پورا جہاز شفٹ کر دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے جہاز لوٹ لیا، اور اس بیچارے کا بھی کروڑوں روپے کا سامان تھا، کوئی جو 5-10 کنٹینر اس کے تھے. تو جب ان کو اطلاع ملی کہ جناب یہ ایسا ہو گیا، آپ کا سامان تو لوٹ گیا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ جو کچھ تھا ہم نے لگا کر بیچ دیا تھا، تو یہ کیا ہو گیا، اب کیسے بچیں گے.
तो उन्होंने अपने वालिद को कहा कि अब्बा ये मसला हो गया। उसने कहा भाई ज़कात पता करो अपने अकाउंट वालों से कि ज़कात सही दी है या नहीं दी। तो कहा कि हमने अकाउंट वाले बैठाए, पता करो भाई ज़कात अदा हुई पूरी कि नहीं हुई। उन्होंने हिसाब वारा किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूरी नहीं बल्कि जो बनती थी उससे ज्यादा दी है हमने। वो वापस वाले साहब के पास, वाले उनके बड़े नेक आदमी थे, कहा जी वो तो ये कहते हैं अकाउंट वाले। कहा फिर कोई मतलब नहीं, फिर माल महफूज है। उसने कहा अब्बा वो माल ही नहीं गेठी, महफूज को ही आया वो ही गेठी। ये रिपोर्ट आई है कि वो जहाज लुट गया तो वो माल ले गए। उसने कहा नहीं मुझे ईमान है कि वो माल हमारा नहीं जाया होगा। अब ये कोई हफ्ते के बाद ये शिप जो जा रहा था ये भी जाकर तो बंदरगाह पे लगा। तो अजीब बात ये कि सवाए इस कंपनी के कंटेनर्स के बाकी सारे कंटेनर लुट गए थे, इनकी कंपनी के कंटेनर महफूज थे। तो ये वाकया उन्होंने खुद सुनाया। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारे अमवाल में हिफाजत के लिए हम कोई बीसों तालू में रखते हैं, उसको नहीं बनाते जो मेरे अल्लाह और उसके मुस्तफ़ा ने हमें तरीका बताया है। लिहाजा ज़कात टैक्स नहीं है, ज़कात टैक्स नहीं है, ज़कात इबादत है। इबादत जिस तरह नमाज इबादत, जिस तरह रोजा इबादत, इस तरह ज़कात भी इबादत है। इसको इस्लाम का अहम तरीन रुकन समझकर इसे अदा करो, और अगर नहीं तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कि फिर इसी माल के साथ तुम्हें कल कब्र और हशर में दागा जाएगा। ये माल दाग आ जाएगा। तो ये है माल जिसकी मोहब्बत में तुम चलते थे। यहां तो गिन गिन के हम करते हैं कि इतना बैलेंस हो गया, इतना हो गया, बड़े खुश होते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बड़ा मारूफ वाकया कि जब आपका इंतकाल हो रहा है तो उनको जहर दिया गया। 39 साल उम्र है, आपके सारे बच्चे नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं। तो आपके जो अजीज व अकारिब थे उन्होंने कहा जी कि हम अपनी दौलत अपने हवाले करते हैं, आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को कुछ दे जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं दौलत कमाना शुरू करता तो मैं तो 85 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था, 85 लाख मुरब्बा मील का। तो मैं तो इनके लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। बेटों को बुलाया, कहा देखो बेटा कि मैं हलाल हराम करके तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा बैलेंस बना लेता, अय्याशी तुम करते सजा मुझे मिलती, अय्याशी तुम करते सजा मुझे मिलती, मैंने ये सौदा नहीं किया। दूसरा यह था कि तुम्हारी तरबियत अच्छी कर दी जाए, तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दिया जाए। तो मैंने तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा, तुम्हारी तरबियत अच्छी की। तो मेरे बच्चों जब भी कभी परेशान होना तो उमर बिन अब्दुल अजीज के रब को पुकार देना और मेरा रब तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, कभी मायूस नहीं करेगा। अब बाप इतना बड़ा बादशाह, देने के लिए कुछ नहीं, औलाद छोटी, 10 बेटे हैं, कुछ भी देने के लिए नहीं है। उस बाप पर क्या क्या आलम होगा। और सकरातुल मौत है, लगता है कि जिस्म से रिश्ता टूटने वाला है। उमर बिन अब्दुल अजीज से जब वो मासूम बच्चे उठे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे अल्लाह लोगों ने अपनी औलादों का मुस्तकबिल अपने हाथों से बनाया है, मैं अपनी औलाद का मुस्तकबिल तेरे हाथ में दे के जा रहा हूं।
इंतकाल हो गया। अब वही बच्चे थोड़े अरसे के बाद जवान हो गए, इनको मीरास मिली 5-5 दिरहम, 5-5 दिरहम इनको मीरास मिली। जब ये बच्चे जवान हो गए तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि ये दसों के दसों गवर्नर बने इस्लामी रियासत के, और दूसरी तरफ अल्लाह ने माल और असबाब ये दिया कि हर एक बेटा 100-100 घोड़ा 100-100 ऊंट सामान असलहा से लदा हुआ मुजाहिदीन को सदका करता हुआ नजर आए। इसलिए याद रखो कि ये जो हिर्स है कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ बना के जाएं, औलाद को अगर कुछ देना चाहते हो तो उसकी तालीम और अच्छी तरबियत करो। अगर हमने अपनी औलादों की तरबियत और तालीम नहीं की, उनके लिए कुछ बनाकर सब कुछ छोड़कर चले गए, याद रखो कुछ नहीं होगा। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते हैं, बड़े आलिम हैं, वो फरमाते हैं कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, तो फैसलाबाद चौक में दोस्तों के साथ खड़ा था, तो उसने कहा भाई तुम्हारा बेटा एक है, इस पर कोई मेहनत करो, कोई पढ़ाओ छड़ाओ इसे, कोई तालीम तरबियत का इंतज़ाम करो, ये ऐसे उबाशा हो रहा है। उसने कहा पढ़ाते गरीबों की औलाद पढ़ती है, इसको क्या पढ़ने के लिए, इसकी 10 नस्लें खाती रहें तब भी मेरे पास इतना है, तो ये तो गरीब पढ़ते होते हैं कि जी कोई पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी तो फलां, मुझे नहीं जरूरत। तो कहने लगे कि थोड़े अरसे के बाद वो चौधरी साहब फौत हो गए। अब ये लड़का ओबाश लड़कों के साथ, सोसाइटी ऐसी, अब वो जमीनें बिक रही हैं बिक रही हैं, ये खा रहे हैं बिक रहे हैं खा रहे हैं। अब ये उन्होंने कहा बाहर दुनिया में निकलते हैं। अब बाहर निकले, वहाँ अय्याशियाँ हैं, बड़े बड़े होटल हैं, इधर ज़मीनें बिक रही हैं बिक रही हैं। कहा चंद सालों के बाद उसी चौक में, कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसी चौक में जिसमें उसके बाप ने कहा था कि इसकी 7 नस्लें खाती रहे तो मेरा खजाना खत्म नहीं होगा, चंद सालों के बाद हमने उसके बेटे को उसी चौक में भीख मांगते हुए देखा। इसलिए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, ज़कात अहम फरीजा है, इसके लिए एहतमाम किया करें। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद गुफ्तगु कल हम करेंगे। ये मौजूदा